जय साथियों, अभिनव वीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आपसे बोले थे कि हर दिन नए अपडेट के साथ आएंगे। एक साथी हमारे पास ऐसे हैं जिनका रामनगर लगता है, फिर भी उन्होंने रेस में क्यों बाहर हुए। टाइमिंग तो अच्छी थी, पाँच पंद्रह तक टाइमिंग थी, मगर इन्होंने बोला कि इधर पहाड़ी इलाका है, उधर सूरज ठीक जमीन है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, हमें यहाँ पे सांस की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी जो हम रेस नहीं मार पाए। हम इनसे जानना चाहते हैं क्यों, क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। भैया आपका शुभ नाम क्या है? गौरव नेलवाल सर। आपकी रनिंग आज आपकी रनिंग कौन से ग्रुप में हुई थी? सर हमारा सिक्स्थ ग्रुप था। सर सिक्स्थ ग्रुप था। आपने प्रैक्टिस कितने महीने कर रखी थी? सर वही एक दो महीने में पाँच पंद्रह आपने रेस मार रखी थी। हाँ, हमारे अपने ग्राउंड में, अपने ग्राउंड पे। आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? मेन सांस का था सर, सांस फूली थी, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं थी, सांस फूलने का दिक्कत हो रहा था बस, और कुछ सबसे। तो यहाँ पे जैसे धूल उल तो नहीं उड़ रही है? सर धूल भी उड़ रही थी सर, शुरू में पहले राउंड से धूल उड़कर उड़ना स्टार्ट हो गया था, गले में लग रही थी धूल। बाकी सर अभी भी थोड़ा खनास वनास है गले में, धूल का भी हो रहा था, बाकी थोड़ा मेन दिक्कत थी वो सांस की थी सर, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, पहले राउंड से ही मार के कम्प्लीट में सांस फूलने लग जा रही थी सर। ये आपको क्या महसूस, ऑक्सीजन लेवल की वजह से? हाँ सर, ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम था थोड़ा ज़्यादा था, सांस शुरू से ही भरना स्टार्ट हो जा रही थी। तो आप वहाँ पे आप ग्राउंड पे कैसा आपका ग्राउंड था, जहाँ पे आप होम ग्राउंड पे आप घर के ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे? ठीक था वहाँ का ग्राउंड, सर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वहाँ शहरी इलाका है, ये सर पहाड़ी इलाका है, थोड़ा वेदर का रहता है कंडीशन, वहाँ वेदर नॉर्मल रहता सर, यहाँ थोड़ा ठंडे इलाका है, सांस का दिक्कत, यही दिक्कत है, और बाकी तो सब सही था सर, बाकी तो ठीक ही था। बाकी वहाँ थोड़ा शहरी इलाका हो गया, ये पहाड़ी इलाका हो गया भाई, इतना फर्क हो गया था यहाँ दौड़ने में और वहाँ अपने कॉलेज में दौड़ने में, अपने ग्राउंड में, यही था सर, और सब सही था। तो आपने अब आपकी अभी पहले फर्स्ट भर्ती थी? पहली भर्ती थी, तो सितंबर में फिर आ रही सितंबर। हाँ सर, फिर तो फॉर्म वॉर्म हो जाएंगे हमारे सितंबर तक, वही जनवरी तक हमारी भर्ती हो जाएगी दूसरी स्टार्ट। दूसरी स्टार्ट। हाँ आपकी इस बार क्या आपने यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करना है कि घर पे ही फिर करोगे? ना सर, अपने वहीं से करेंगे स्टार्ट, थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा करेंगे मेहनत बस, और यहाँ पर सर ऐसा ना हमारी पढ़ाई भी चल रही है तो अकेडमी में हो नहीं पाएगा, यहाँ अपने वहीं से करेंगे सर प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम देंगे सर। और यानी कि जो आपका होम ग्राउंड है, अगर आप यहाँ पे कौन से ग्रुप में आप बैठे थे? सर हम यहाँ पे छठे ग्रुप में बैठे थे सर। नहीं, जिससे बंदे को जब बैठाते 100 का ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप में पीछे बैठे थे कि आगे बैठे थे? सर ग्रुप में मेरा सर पीछे था, पीछे पीछे बैठा रखा था। अगर पीछे बैठा रखे थे आपको थोड़ा खींचना पड़ा, थोड़ा धूल भी मुंह में गई, अगर आप आगे बैठे होते तो आप आसानी से रेस मार सकते। सर आगे बैठ के सर मेरा हुआ दिक्कत कि मेरे पैर में एंगल भी लग गया था 2-3 राउंड के बाद, सर वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी सर आगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता, पीछे था ज़्यादा। जो हमारे भाई यूपी से आ रहे हैं, यूपी को जान ही रहे हो कैसी ज़मीन है, क्या सिस्टम है, तो वहाँ पे यहाँ पे उनको कोई मुश्किल तो नहीं होगा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नंगे पैर दौड़े इस ग्राउंड पे तो अच्छा रहेगा, जैसे यानी कि धूल उड़ रही है, कौन सा स्टेप करेंगे धूल से थोड़ा बच जाए? नंगे पैर दौड़ो वैसे था तो धूल तो उड़ ही रही है, बाकी सर जूते पहन के दौड़ना सही रहेगा, कंकड़ पत्थर भी है सर ग्राउंड में ट्रैक पे, तो पैर में चुभने का खतरा है सर, कंकड़ पत्थर तो है सर ग्राउंड में, नहीं कि थोड़े कीले उले हैं, कंकड़ वंकड़ हैं, छोटे मोटे कंकड़ वंकड़ है, पैर में चुभेंगे सर नंगे पैर दौड़ने में, तो जूते पहन के दौड़ना सही रहेगा। तो आप अब घर जाएंगे आप? हाँ सर, अब भी निकलते हैं 9:30-9:30-11 वाली से घर निकलते हैं सीधे रामनगर, डायरेक्ट यहाँ से सीधे रामनगर को ही हमारी बस। फिर एक भाई और हमारे साथ हैं जिन्होंने रेस, इनसे जानना चाहते हैं इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो एक ही जिले के ये लोग, इनसे जानना चाहते हैं इनको क्या प्रॉब्लम। आपको भैया आपका शुभ नाम क्या है? विक्की। विक्की, आपने ग्राउंड पर प्रैक्टिस कितने महीने की? मैंने 4-5 महीने की थी। तो आपकी टाइमिंग क्या थी ग्राउंड की? टाइमिंग नहीं, अभी तक नापता ही नहीं, हमें टाइमिंग नहीं नापता था। टाइमिंग आपने कभी नहीं देखा ना? तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कत हुई जो आपने रेस नहीं मार पाए? बहुत ज़्यादा सुबह धूल उड़ रही थी तो इस चक्कर में सांस बहुत फूली हमारे, उसमें एरिया में इतना नहीं था ना, हमारा तो बिल्कुल सूखा ग्राउंड रहता है, घास वैसे ग्राउंड पे थोड़ी मिट्टी टाइट रहती है, यहाँ पर धूल की दिक्कत ही थी बस, और कोई दिक्कत तो नहीं थी। आपकी भी एज है? एज पहली भर्ती है 17.5। चलो ठीक है, नेक्स्ट में ट्राई करना। ठीक है साथियों, अगर जो आपको सबसे ज़्यादा बंदे को यही प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे अब आप धूल बहुत उड़ रही है, सांस फूलने की भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम यूपी वालों भाई से कह बोले थे कि आप थोड़ा जल्दी आइए, यहाँ पे माहौल में ढल जाइए, यहाँ के मौसम में ढल जाइए, अगर आप नहीं आएंगे यही कहोगे सर सांस बहुत फूल रही थी, धूल बहुत उड़ रही है आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अग्निवीर फ्री एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज एक नए अपडेट के साथ आप सबको मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।